हाय एवरीवन, तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्टूडेंट ठीक होंगे। तो मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके नए परिवार कॉलेज अपडेट्स में। तो देखिए, फाइनली कल बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर की इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम की जो डेट शीट है वो सोल की वेबसाइट पे जारी हो चुकी है, रिलीज हो चुकी है। और कल मैंने इसको लेकर आप सभी को अपडेट दिया था, बट वीडियो डालने के बाद मोस्टली जो कमेंट ये पूछे गए, सर इसको आपने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। तो एक्सप्लेन की तो बात मैं यही कहूँगा कि इतना आपको इसमें समझने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा कि कौन सा एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है इंटरनल असेसमेंट का, और यह एग्ज़ाम आपका कैसे होगा। कंप्लीट डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर ले, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे चुका हूँ। तो ये हमारे सामने UGC FNAP सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर की BA प्रोग्राम इंटरनल असेसमेंट की डेट शीट है, और जैसे कि आप देख सकते हो इसमें जो पहला आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, इंटरनल असेसमेंट जो हो रहा है वो आपका 18 अप्रैल को हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें कुछ जो पेपर है वो दो बार है, तो दोनों में से हमें देना कौन सा? आप देखिए, पहले तो चीज़ अच्छे समझिए, इसमें एक्चुअली सोल ने टेक्निकल प्रॉब्लम को देखते हुए मेल और फीमेल की जो टाइमिंग है वो अलग अलग की है। मतलब कि जो मेल कैंडिडेट है, जो मेल स्टूडेंट है, उनका जो पेपर होगा वो 2 बजे होगा, और फीमेल कैंडिडेट का जो पेपर होगा वो 10 बजे होगा सुबह। ठीक है, 14 को 2 बोला जाता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 18 अप्रैल को मेरा पेपर है इंग्लिश इंट्रोडक्शन टू लिटरेसी स्टडीज़। ठीक है, और सेम पेपर जैसे मान लीजिए पहला जो टाइमिंग आपकी चलेगी वो फीमेल के लिए चलेगी, तो फीमेल वालों का जो इंट्रोडक्शन टू लिटरेसी स्टडीज़ का पेपर होगा वो 10 बजे होगा, और बॉयज़ अगर कोई है जिसका इंग्लिश टू इंट्रोडक्शन टू लिटरेसी स्टडीज़ है तो उनका 2 बजे होगा। ठीक है, तो ऐसी सेम सारे सब्जेक्ट इन्होंने बता रखे। अगर आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री ऐसे चलेगा, 10 बजे सुबह लड़कियों का और इवनिंग में आपका बॉयज़ का होगा। तो पेपर होगा कैसे ये वाला इंटरनल असेसमेंट? ये इंटरनल असेसमेंट आपको पूरी तरीके से ऑनलाइन होगा, MCQ बेस होगा, पोर्टल है उस पोर्टल पर होगा, पोर्टल भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा। उस पोर्टल पर जैसे आप लॉगिन करोगे अपने सोल रोल नंबर और बारकोड से, लॉगिन करने के बाद आपके पीछे सामने सब्जेक्ट का पूरे सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी उसमें। ठीक है, उसी सब्जेक्ट की लिस्ट, जैसी आपकी लिस्ट आ जाएगी उसी सब्जेक्ट की लिस्ट के आगे टाइमिंग चल रही होगी डेट के साथ कि किस टाइमिंग पे आपका कौन सा पेपर है। ठीक है, क्या इसके लिए कोई एडमिट कार्ड भी जारी किया जाएगा? तो जी नहीं, इसके लिए कोई भी एडमिट कार्ड आपका जारी नहीं होगा। डेट शीट आ चुकी है, डेट शीट के अकॉर्डिंग ही आपको अपना लॉगिन है जो पोर्टल, वो आप लॉगिन करोगे और आप अपना एग्ज़ाम दोगे। अब देखिए, कई स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर कन्फ्यूज है। मान लीजिए जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे इंग्लिश टू इंट्रोडक्शन टू लिटरेसी स्टडीज़ एक ये है, और सेम इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश लिटरेसी स्टडीज़ ये रहा। मतलब कि अब कन्फ्यूज़न ये है कि 19 अप्रैल को भी सेम पेपर हो रहा है और 18 अप्रैल को भी हो रहा है, तो मुझे देना कौन सा? तो मैं आपको बता दूँ, ये आपका डिसिप्लिन के सब्जेक्ट है। जैसे आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर की डेट शीट जब आई थी उसमें भी सेम ऐसी कंडीशन थी कि एक पेपर आपका 4 अप्रैल को हो रहा था, एक पेपर आई थिंक आपका 4 मार्च को, और एक पेपर आपका 10 मार्च या 8 मार्च को आपका पेपर हो रहा था। सेम इसी तरीके से अब आपके मन में होगा, सर मुझे देना कौन सा है पहले? तो इसकी जानकारी आपको आपका जो पोर्टल है, जिस पोर्टल पे आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, उस पोर्टल पर आपका पूरा टाइम टेबल होगा। ठीक है, तो उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप दोगे। जो पहला जो पेपर आपका इतना कंफर्म है कि वो आपका पहला पेपर 18 तारीख को होगा। 18 तारीख का मान लीजिए आपका अगर संस्कृत का है, अगर आप फीमेल है तो 10 बजे मॉर्निंग में देना, अगर आप मेल है तो फिर 2 बजे आपका होगा। तो इन पहला जो डिसिप्लिन का जो सब्जेक्ट का जो पेपर है वो आपका 18 अप्रैल को आपका इंटरनल असेसमेंट कंडक्ट कराया जाएगा। उसके बाद जो आपका डिसिप्लिन 2 का जो सब्जेक्ट होगा वो आपका फिर 19 अप्रैल को होगा। सेम देखिए, सेम तो होंगे क्योंकि माइनर में से आप 2 सिलेक्ट करते हो, मेजर में से एक, टोटल 3 होते हैं ना। तो यानी एक आपको देना है 18 को और एक देना है आपको 19 को। ठीक, उसके बाद इसकी जानकारी आपको आपके पोर्टल पे मिलेगी, उसी पोर्टल पे आपका पूरा टाइम टेबल शो करेगा, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको बैठना है। टोटल 45 मिनट आपको मिलेंगे, 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे
और जो इनका नंबर का वेटेज रहेगा वो 70 नंबर का वेटेज रहेगा। MCQ पूछे जाएंगे, कैमरा ऑन नहीं रहेगा, आप क्या कर रहे हो सोल को नहीं पता, आप कहाँ से उत्तर कर रहे हो ये भी सोल को नहीं पता, आप जो रिस्पांस दोगे जो आंसर सबमिट करोगे वो सोल तक सबमिट होगा। और एक चीज़ और मैं बार बार कह रहा हूँ, जब भी आप आंसर सबमिट करोगे तो हर आंसर को टिक करने के बाद, फिर आपको सबमिट करने के बाद जब वो ग्रीन ग्रीन हो जाए ऊपर, तब उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया 18-19 अप्रैल। उसके बाद आपका 20 अप्रैल को फिर आपका मेजर सब्जेक्ट के पेपर होंगे। देखिए मेजर है सारे के सारे, मेजर का तो एक ही बार होगा, जैसे एंशिएंट सोसाइटी हो गया आपका, पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया हो गया, तो ये तो एक ही बार होंगे। एक ही बार कब होंगे, ये आपका 20 अप्रैल को होंगे, यानी 18 को माइनर, 18 को एक आपका डिसिप्लिन का माइनर का, और 19 को एक माइनर का, फिर 20 को आपका मेजर का होगा। टोटल 3 ही डिसिप्लिन के हो गए। और इनकी जो जानकारी है, मेनर माइनर माइनर दो सब्जेक्ट है आपका, कि मुझे पहले कौन सा देना है, इसकी जानकारी आपको आपके जो आपका जो पोर्टल है उसकी पोर्टल के अंदर डेट शीट आपकी होगी, आपके एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग। वैसे एडमिट कार्ड अलग से नहीं आएगा, बट आपकी जो भी डिटेल रहेगी, टाइमिंग चल रही होगी, उसी को आप पहले दे देना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वरना एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कि अल्फ़ाबेट ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपका पेपर होता है। मान लीजिए मेरे पास हिस्ट्री है और पॉलिटिकल है, ठीक है, तो पहले मेरा क्या होगा, पी बाद में आता है तो एच पहले आता, तो मैं पहले हिस्ट्री का दूंगा, इस तरीके से चलता है। बाकी तो आपका जो पोर्टल लॉगिन करोगे तो हमारा टाइमिंग चली रही होगी, ठीक है। पर इतना याद रखना, मेल की टाइमिंग इवनिंग की है, फीमेल की मॉर्निंग की है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन मत होना। देन उसके बाद आपका 21 अप्रैल को होगा आपका जेनिक इलेक्टिव का, जिसमें आपका इंग्लिश फिलोसफी हो गया, हिंदी भाषा साहित्य का खागा, ठीक है, ये आपका 21 को होगा। देन उसके बाद आपका फिर आपका 24 को होगा, जिसमें AEC का होगा, इन्वायरमेंटल साइंस, एक ही पेपर है, एक ही सब्जेक्ट आपके पास, ये भी टाइमिंग वही है, फीमेल की मॉर्निंग की और मेल की आपकी 2 बजे की। क्यों? क्योंकि सर्वर एरर ना हो, अगर एरर हो जाता है फिर आप राम भरोसे, ठीक है। उसके बाद फिर तो मैं उसमें तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता, आपको मेल करना होगा, कॉल करना होगा, अब दोबारा मौका दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा ये तो सोल वाले ही बता सकते। बस ऐसा ना हो, 5 मिनट पहले ही लॉगिन कर लेना आपके इंटरनल असेसमेंट से पहले। उसके बाद 25 अप्रैल को आपका 24 का बता दिया, ओके 24 का बता दिया है। 25 अप्रैल को फिर आपका होगा कम्युनिकेशन एवरीडे लाइव, यानी स्किल एनहांसमेंट का होगा आपका इंग्लिश कम्युनिकेशन एवरीडे लाइव, ठीक है। उसके बाद आपका 26 अप्रैल को होगा वैल्यू एडिशन कोर्स का, जिसके अंदर आपका भारतीय भक्ति परंपरा मानव मूल्य योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सेम वही टाइमिंग है, ठीक है। ये पेपर होगा कहाँ वो मैं आपको बता दूँ, ये पेपर इस लिंक पर होगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोर्टल का दे दूँगा, जैसे आप इस लिंक पर जाओगे वो पोर्टल खुलेगा, वो पोर्टल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए इस पोर्टल पे आपके होगा, अभी अगर आप इससे लॉगिन करने की कोशिश कर रहे होगे तो कई स्टूडेंट का लॉगिन नहीं हो रहा, क्योंकि अभी इसके सर्वर डाउन है, बट एग्ज़ाम से पहले ये लॉगिन होना शुरू हो जाएगा, एग्ज़ाम के दिन भी लॉगिन होने लगेगा। शर्त ये है कि आपको डिटेल सही से डालनी है, रोल नंबर का फॉर्मेट ये होना चाहिए, कैसे, जैसे मान लीजिए 22 फिर ऐसे स्लैश लगा के फिर 01 ऐसे फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट से आपको रोल नंबर डालना है, बार कोड आपको करेक्ट डालना है, और फिर ये जो क्वेश्चन पूछेगा जैसे 8+5 2+2 कितने होते हैं, तो आंसर देना है जैसे 4 होते हैं, जो भी है उतना कैलकुलेशन में। लॉगिन करोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा, इस तरीके से जैसे आपका लॉगिन होगा तो अब देखिए लॉगिन होता क्या, हम आपका जो पूरा पेपर की जो डिटेल है यहाँ आपको शो कर रही होगी, आपका कोर्स यहाँ शो कर रहा होगा, BA प्रोग्राम में यहाँ BA प्रोग्राम लिखा रहेगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आपका शो करेगा, टाइमिंग यहाँ रहेगी, डेट रहेगी, और उसी टाइमिंग डेट के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे लाइव आ जाएगा कि MCQ लाइव हो गया, क्लिक करोगे देन आपका इंटरनल असेसमेंट ओपन हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, एडमिट कार्ड आपके इसी पोर्टल के अंदर रहेगा कि कौन सा एग्ज़ाम कब है। देखिए ये रहा, ये सब्जेक्ट की डिटेल दे रखी है, देख सकते हो आप, ये देखिए, ठीक है। तो ये पोर्टल अगर लॉगिन हो रहा है तो लॉगिन कर लीजिए, नहीं हो रहा तो सर्वर डाउन है, वेट कीजिए, डिटेल करेक्ट डालना, लॉगिन होने लगेगा। ये प्रॉब्लम आती ही आती है, अभी 18 अप्रैल को अभी तो काफ़ी टाइम है, ठीक है, तो अभी थोड़ा मैनेज कर रहे होंगे। बाकी उसके बाद जैसे ही आप करोगे देन उसके बाद हर क्वेश्चन का जैसे इस तरीके से आपका सैम्पल क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए क्या क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, टिक करोगे, टिक करने के बाद फिर सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करोगे सबमिट करने के बाद फिर ये जो सेक्शन है ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब जो पहला क्वेश्चन है आपका सबमिट हो गया, और टाइमिंग यहाँ चल रही होगी। जैसी सेम पूरा प्रोसीजर आपको ऐसे ही करना है, 45 मिनट के अंदर आप नकल करो कहीं करो, उससे कोई मतलब नहीं है सोल, क्योंकि सोल को नहीं पता। जैसे आप सारे कर दोगे ये आंसर अपडेट सक्सेसफुली हो जाएगा, यानी जो आपका क्वेश्चन है
जो आपका इंटरनल असेसमेंट है कम्प्लीटली सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है, और इस तरीके से आपको एक मैसेज शो करेगा यानी आपका इंटरनल असेसमेंट सबमिट हो चुका है, उसके बाद आप लॉगआउट कर दोगे। तो इसी तरीके से आपको पूरा देना है। अब इसमें कोई समझाने का है नहीं, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया। अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अब उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैंने अपना बेस्ट दिया आपको समझाने के लिए। अगर जिसको डेट शीट समझ में नहीं आ रही, पोर्टल लॉगिन कर लेना, लॉगिन में आपकी डेट शीट पूरी एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी रहेगी। एडमिट कार्ड अलग से नहीं आएगा, आपका एडमिट कार्ड आपके पोर्टल के अंदर ही रहेगा, आपके डैशबोर्ड के अंदर ही रहेगा, ये आपका जो पोर्टल है, ठीक है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बाकी सोल की साइट पे भी आप लॉगिन कर सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच।